इतनी इंपॉर्टेंस है तो आपको खुद पढ़ना होगा, आपको अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री खुद बचानी। फजर की नमाज के बाद मस्जिद के अहाते में लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा 14 या 15 साल का खून में सना हुआ खड़ा है। उसके सामने एक शेर था जो दो शेर मरा हुआ पड़ा था। जब लोगों ने देखा तो वो समझ गए कि इस बच्चे की हाथापाई इस शेर के साथ हुई है, और शेर मर गया तो बच्चे उसके उस हुई हाथापाई से डर के यहां खड़ा है। नमाजियों ने ये कहा कि इसके मुंह पे पानी मारा जाए, इसका खून साफ किया जाए, देखा जाए ये कौन है। जब मुंह पर पानी मारा गया तो कहा, अरे ये तो फकरुन निसा का बेटा है। उन नमाजियों में एक नाबीना नमाजी थे, उन्होंने कहा, फकरुन निसा से चलकर पूछो कि उसने बच्चे की परवरिश ऐसे कैसे की है कि इस बच्चे ने इतनी सी कम उम्र में एक शेर को मार दिया। सारी नमाज, सारी जमात नमाज के बाद घर पहुंची, बाहर से सलाम किया, जवाब आया वालेकुम सलाम। कहा, बच्ची तुमने अपने बेटे को कैसे पाला है कि इसने एक शेर को मार दिया। कहा, मैंने कोई खास परवरिश नहीं की। जब जमाती लौटने लगे तो फकरुन निसा ने पीछे से आवाज दिया, कहा, हमारे पीर मेहराब शाह कलंदर के हुक्म से जब हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पे हमने इस बच्चे को मांगा था, और एक दिन हमारे ख्वाब में टीपू मस्तान औलिया आए और हमसे ये हुक्म दिया, इतना खिराज अकीदत पेश करना कि जब भी इस बच्चे को दूध पिलाना उससे पहले वजू कर लेना। मैंने अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाया है उससे पहले वजू किया है, शायद ये उस वजू की ताकत है। बच्चे का नाम था फतेह मोहम्मद अली खान साहब, जिसे आप और मैं टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। गूगल पर जब आप कॉनग्रीव रॉकेट ऐसे टाइप करेंगे या मैसूरियन रॉकेट ऐसे टाइप करेंगे तो एक गूगल पेज डिस्प्ले करेगा। इस पेज पर यह लिखा हुआ है कि मैसूरियन रॉकेट ये इंडिया की पहली मिसाइल थी। इन मैसूरियन रॉकेट को लाया किसने? का हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। इस मैसूरियन रॉकेट के बारे में जो किताब गूगल पे खुलती है उसका नाम है कॉनग्रीव रॉकेट। उसमें सर विलियम कॉनग्रीव लिखते हैं, 1799 में टीपू सुल्तान को मारा गया, 1801 में उनसे जब्त की हुई बहुत सारी मिसाइलों को इंग्लैंड भेजा गया, 1801 से 1805 तक मैंने उन मिसाइलों पर रिसर्च की लेकिन मैं उनके डिजाइन को समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड में मिसाइलें नहीं थी, लेकिन मैसूरियन रॉकेट 2 किलोमीटर से ज्यादा वार करते थे। और जब उस मिसाइल को समझने में हम नाकाम रहे तो अंग्रेजों ने यहां से एक किताब भिजवाई जो आज पेरिस के म्यूजियम में रखी हुई है। उस किताब का नाम है फतहुल मुजाहिदीन। लिखने वाले का नाम टीपू सुल्तान है, और क्या आप जानते हैं उस किताब में उस रॉकेट के पूरे डिजाइन को टीपू सुल्तान ने समझाया है। कहा, विलियम कॉनग्रीव लिखते हैं, आपके गूगल पे खुला हुआ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि उन मैसूरियन रॉकेट्स को कन्वर्ट करके मैंने पहली कॉनग्रीव मिसाइल जो 2 किलोमीटर से ज्यादा वार करती थी उसे मैंने बनाया। ये आपके बुजुर्गों की हिस्ट्री है कि जब टेक्नोलॉजी और साइंस आती तो उनका सर आसमानों में रहता, और जब दीन इलाही की बात आती तो उनका दिल झुका हुआ रहता। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या मशीयत इलाही तुमसे ये नहीं चाहती कि जब दीन की बात आए तो तुम्हारा दिल झुका हुआ हो, जब टेक्नोलॉजी की बात आए तो प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लास में तुम्हारा नाम लिया जाए? क्या तुम अपनी उस हिस्ट्री को भूल गए कि पहली तोप इंडिया में लाने वाला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, पहली पक्की सड़क बनवाने वाला शेरशाह सूरी था, पहला रॉकेट लाने वाला शेर मैसूर टीपू सुल्तान था, और भारत को अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल ये बनाकर देने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम था? क्या ये मशीयत इलाही तुमसे ये नहीं चाहती कि दीन और दुनिया दोनों तुम्हारी हो जाए? अंग्रेजों ने इस फलसफे को समझा
कि जिसके पास एजुकेशन है दुनिया उसके कदमों में है। हमारी पहली आयत इकरा है, इकरा का मतलब पढ़ो, उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती। मेरे दोस्तों ने मुझ पे पाबंदी लगाई है कि आज यहां से इस्तेमाल जितनी भी किताबें मैं करूंगा एक भी मुस्लिम ऑथर की नहीं होना चाहिए, तो मैंने चुन चुन कर सारी किताबें अंग्रेजों की लिखी हुई लाई है। पहला विद्रोह इंडिया में 1773 में हुआ था, 1773 में पहला विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नाम फकीर रेबेलियन था। इस विद्रोह का नाम आज भी किताबों में फकीर एंड सन्यासी रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। इस फकीर और सन्यासी रेबेलियन का तरीका यह था, इस पर पूरी एक किताब बैंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। इस किताब का नाम आनंद मठ है और आईएएस के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फकीर और सन्यासी रेबेलियन, इस रेबेलियन को किस किताब में सबूत पाए जाते हैं। इसमें सन्यासी, साधु संत और सूफी ये करते कि कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़ी भीड़ के साथ अंग्रेजों के गोडाउन तक जाते। उस समय भूखमरी चल रही थी पर गोडाउनों में अनाज भरा हुआ था, उस गोडाउन के अनाज को तोड़कर गरीब हिंदू और मुसलमानों में बांट देते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मौजूदा डायरेक्टर हैं, उनका नाम मेरे पास है आनंद भट्टाचार्य। इन्होंने 2013 में एक किताब लिखी है, मैं उस किताब में से एक लाइन पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बंगाल और बिहार के घने जंगलों का फायदा लेकर सन्यासियों और फकीरों ने इस बगावत को 50 साल तक जारी रखा। LSS O'Malley ये अंग्रेज ऑथर हैं, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, पेज नंबर 85 और 86 में पढ़ रहा हूं। इन 1763 मुस्लिम फकीर्स रिवॉल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मजनू शाह फकीर। पहली बगावत, उसका पहला लीडर, उसका नाम लिख रहे हैं अंग्रेज मजनू शाह फकीर। आगे की लाइन में लिखते हैं द सन्यासी लीडर भवानी पाठक वॉज हिज क्लोज एसोसिएट, उसका बहुत गहरा दोस्त था। आफ्टर द डेथ ऑफ मजनू शाह, मजनू शाह के मर जाने के बाद मूसा शाह, चिराग अली, नूरुल मोहम्मद, इन्होंने इस बगावत को 1803 तक जारी रखा। यानी ये वो दिन थे जब कंधों से कंधा मिलाकर ह और म, जिसको मिला दो तो हम हो जाता है, यानी हिंदू और मुस्लिम, ये कंधे से कंधा मिलाकर आजादी, जंगे आजादी के लिए लड़ते थे। 1857 की बगावत जिसे अंग्रेज बगावत कहते हैं, हम उसे 1857 की अजीम लड़ाई कहते हैं। आप जानते हैं ये लड़ाई क्यों हुई थी, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी कारतूसों में लगाने की वजह से बड़े पैमाने पर पूरे इंडिया में ये लड़ाई लड़ी गई। 1857 की इस बगावत में एक नाम आता है दिलावर जंग, अहमदुल्ला शाह मद्रासी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बुक है दिलावर जंग अहमद शाह मद्रासी, अहमदुल्ला शाह मद्रासी, इनके बारे में लिखा है कि ये टीपू सुल्तान के दरबारी नवाब मोहम्मद अली के बेटे थे और मेहराब शाह कलंदर पीर के कहने पर अंग्रेज़ों को अपने देश से हटाना चाहते थे। इस सिलसिले में ये दिल्ली गए और दिल्ली के बाद पटना, फैज़ाबाद, कलकत्ता और देश के कोने कोने का दौरा किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल को इतना गर्म किया कि सुन लीजिए, टॉपिक है जंगे आज़ादी में मुसलमानों का योगदान। पहला सबसे बड़ा इनाम अगर किसी की गर्दन पे रखा गया, पहला सबसे बड़ा इनाम अगर किसी के सर पे रखा गया तो वो 50,000 रुपये का इनाम अहमदुल्ला शाह मद्रासी के सर पे रखा गया 1857 में। पहला इनाम 50,000 रुपये का किसी के सर पर रखा गया कि जिंदा और मुर्दा लाने वाले को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, तो उनका नाम अहमदुल्ला शाह मद्रासी है, राजा ऑफ पवई। इन्होंने ये इनाम को पाया जब अहमदुल्ला शाह का सर काट कर इन्होंने अंग्रेजों को दिया। तो एक अंग्रेज का बयान मेरे पास दर्ज है, मैं इस बयान को आपको सुनाना चाहता हूं। यहां लिखा है ये उस इंसान का सर पड़ा है जो आज तक का हमारा सबसे ताकतवर दुश्मन था। 1857 के उलमाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, मौलाना उस पर बात कर चुके हैं। मौलाना लियाकत अली खान हो या मौलाना बख्त खान हो या खान बहादुर खान हो या हिकमतुल्ला खान हो, 1857 की यह फहरिस्त बहुत लंबी है। और जैसा कि मौलाना ने आपको बताया, पहला फतवा
जंगे आज़ादी की लड़ाई का जिसने दिया था उसका नाम अल्लामा फजले हक खैराबादी था। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने जब ये फतवा दिया और दिल्ली आज़ाद हुआ तो दिल्ली को वापस पाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत मेहनत की। मेरे पास लेफ्टिनेंट हॉडसन की एक किताब का एक पैराग्राफ मौजूद है। लेफ्टिनेंट हॉडसन ये वो शख्स थे जिन्होंने दिल्ली को दोबारा जीता। वो लिखते हैं, हमें इंग्लैंड से टेलीग्राम आया था। इस टेलीग्राम में लिखा था, 1857 की बगावत दरअसल मुसलमान उलमाओं की बगावत है। जहां पर भी टोपी और दाढ़ी वालों को देखो, इन्हें बिने मुकदमे के लटका दो। लेफ्टिनेंट हॉडसन अपनी किताब में लिखते हैं, फिर क्या था, हम निकल पड़े दाढ़ी और टोपी वालों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाते। हम उनसे यह नहीं पूछते कि तुमने क्या किया है, बस हमारी गोलियां उनका सीना और सर तलाशती। कर्नल नील, इन्होंने पटना और अलाहाबाद और कानपुर को दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में लाया था, वो अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे इस बात पर फक्र है। कर्नल नील लिख रहे हैं अंग्रेजों के लिए, हमारे लिए नहीं लिख रहे, तो लिखते हैं, मुझे इस बात पर फक्र है कि मैंने सैकड़ों लोगों को बिना मुकदमे के ही फांसी दे दी। उस जमाने में एक बेहतरीन हिंदू इतिहासकार दिल्ली में रहा करते थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय, वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैं उनकी किताब से एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। ये इलाहाबाद में थे जब 1857 की बगावत हुई, वो इलाहाबाद में थे। वो लिखते हैं, इलाहाबाद के चारों ओर 1857 के बाद कई सालों तक एक झाड़ नहीं मिलता था। इलाहाबाद के चारों ओर 1857 के बाद कई सालों तक एक झाड़ नहीं मिलता था, क्योंकि मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि या तो वो लकड़ी कब्र में पट्टा बना के लगा दी गई या चीता पर लकड़ी बनाकर जला दी गई। क्या आप सोच सकते हैं कि वो क्या जुल्म सितम होगा कि झाड़ इलाहाबाद से खाली हो गए, या वो कब्रों में तख्ते बनकर लग गए या चिताओं पर लकड़ी बनकर जल गए। ये 1857 की चीज थी। द टाइम्स अखबार उस समय इंग्लैंड से निकलता था। मेरे पास जनवरी 18, 1861 की एक पेपर कटिंग है। द टाइम्स अखबार जो लंदन से निकलता था उसमें करस्पॉन्डेंट का नाम रसेल है। ये रसेल ने अपने फ्रंट पेज पे द टाइम्स अखबार के लिखा है, अंग्रेज सरकार उलमाओं के दिल में हमेशा के लिए डर बिठाना चाहती थी, इसलिए नफीस उलमाओं को सूअर की चमड़ी में जिंदा सिया गया और सूअर की चर्बी के खिलाफ फतवा देने वाले मुस्लिम उलमाओं को जबरदस्ती पोर्क खिलाए गए। ये कुर्बानियां हैं जो आपके आलिमों ने दी हैं। सर जेम्स आउट्रम और एडवर्ड टिमस ये राइटर हैं एक किताब के, उस किताब से मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन। जिन 51,200 लोगों को फांसियां हुई उसमें उलमा, अभी मुसलमान भी नहीं कह रहा हूं, मुसलमानों में ऊंची कैटेगरी उलमा कह रहा हूं, जिन 51,200 लोगों को फांसियां हुई 1859, 1860 और 1861 में, उनमें उलमाओं की तादाद सिर्फ 27,000 थी। यानी सिर्फ उलमा 27,000 से ज्यादा थे 51,200 लोगों को फांसियां हुई। लोगों, इतिहास में आपका रिकॉर्ड है जो दम तोड़ रहा है। ग्रोवर एंड ग्रोवर की एक बुक है, उसमें वो लिखते हैं, भगत सिंह को एक अंग्रेज ने पूछा, भगत सिंह ये एक ऐसी शख्सियत है, उनसे एक अंग्रेज ने, उन पर मुकदमा चल रहा था, तो भरे कोर्ट में भगत से कहते हैं, दिस पीपल रूल्ड यू फॉर मोर देन 800 ईयर्स, इन्होंने तुम पर 800 साल हुकूमत की, तुमने कभी बम नहीं फेंका, हमें आए 150 साल हुआ है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह तुमने बम फेंक दिया। भगत सिंह मुस्कुरा के कहते हैं, सर बम में ना छर्रा था ना केमिकल थे, हम आपको मारना नहीं चाहते थे। जज ने कहा, तो फिर बम क्यों फेंका? कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह से कहा कि 800 साल इन्होंने तुम पे राज किया, कभी बम नहीं फेंका। कहा, सर कैसा राज किया,
ऐसा राज किया कि हमारे देश का नाम सोने की चिड़िया पड़ गया। ये सोने की चिड़िया की चहक है जो आपको सात समुंदर दूर से खींच कर लाई। और 150 साल आपने कैसा राज किया, एक लाइन में बताना चाहूं। और भगत गजब के विद्वान थे। भगत कहते हैं 150 साल आपने कैसे राज किया, अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो आपने एक स्पंज की तरह राज किया। ये स्पंज गंगा के किनारे से हीरे मोती चूस कर ले जाता और जब इसे थेम्स, लंदन में नदी है, थेम्स के किनारे निचोड़ा जाता तो दौलत बरसने लगती। ये जो दौलत आप यहां से भिगा भिगा कर ले गए हैं, सारे कल कारखाने और औद्योगिक क्रांति उसी से आई। और इन्होंने कैसा राज किया, इन पठानों और मुगलों ने इसे अपना घर बना लिया, इसी की धूल में अपने आप को मिला दिया और जो पैसा यहां से लिया यहीं खर्च कर दिया। पेज नंबर है 169, बुक का नाम है ग्रोवर एंड ग्रोवर। आप भगत सिंह के इस बयान को वहां पढ़ सकते हैं। वीर सावरकर कहते हैं कि क्या आप जानते हैं 1857 में सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कौन था? वो थे आखिरी मुगल बादशाह, बादशाह बहादुर शाह जफर। बीडी सावरकर लिखते हैं कि मैंने जॉन निकल्सन की किताब से इस चीज को कॉपी किया है कि जॉन निकल्सन ने लिखा कि हमने सवेरे बहादुर शाह पर यह जोर डाला कि आप नाश्ता करिए। बहादुर शाह ने कहा मुझे हमें खाने की तबीयत महसूस नहीं होती, क्योंकि रात को हमने उनकी आंखों में पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाया था। पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाने से वो हल्के हल्के नाबीना होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इस्लामिक लॉ में एक अंधा इंसान राजा नहीं हो सकता। हमने जोर डाला नहीं आप नाश्ता करिए, और जब उनके मर्जी के खिलाफ नाश्ता लाया गया तो लाल कलर के मखमल से ढके हुए 3 कटे हुए सर दिए गए। 2 उनके बेटे के थे, 1 उनके पोते का था। ये जुल्म व सितम जब आपने सहा है तो यह टॉपिक उठता कहां से है कि मुसलमानों का जंगे आजादी में क्या योगदान है।